कप्तान गारमेंट शायन यूट्यूब चैनल का नाम है। सबसे पहले इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कप्तान गारमेंट शायन यूट्यूब चैनल का नाम है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। अब कप्तान गारमेंट शायन मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका? ये कप्तान गारमेंट ये चैनल का नाम है और कप्तान गारमेंट ये कंपनी का नाम है। अब आगे की बात आ जाती है जो इसमें काम क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कप्तान सूट बनता होगा, तो यहाँ पे कंपनी का नाम है कप्तान गारमेंट। यहाँ लेडीज सूट नहीं बनता है, बेसिक शर्ट बनता है। जो शर्ट का माहिर कारीगर हो, रेडीमेड का जो शर्ट का माहिर कारीगर हो, वो संपर्क करे। जिसे काम चाहिए, शर्ट का काम आता है, वो संपर्क करे। जो रेडीमेड में काम कर चुका है और जो रेडीमेड में काम नहीं किया है और वो शर्ट का कारीगर है, टेलर लाइन में काम किया है और रेडीमेड में करना चाहता है, तो उसको कम से कम एक महीना अपना उसको टाइम देना पड़ेगा। जिसके लिए खाना खर्च स्वयं ही उठाएगा, उसका ना मालिक जिम्मेदार है ना कारीगर जिम्मेदार है। वो बात अलग हो गई कि आप कुछ बेहतर करने लगे तो आपको कुछ सोच समझ कर कारीगर आपको कुछ देने लगेगा। लेकिन ये लालच पर आप ना रहें। अगर आपको दे भी रहा है तो उस पैसे को ठुकरा दे, 2-4, 5-1000 रुपए को ठुकरा कर, और उससे यही कहे मैं यहाँ तुम्हारे 2-4, 5 के लालच में नहीं आया हूँ, इस कंपनी में काम करने आया हूँ, मुझे काम सीखना है और कुछ बनकर कमाना है, ना कि 1000 और 500 में ज़िंदगी गुजारना है। क्या आप सभी लोगों को मेरा एक संदेश है कि कुछ बनना है, कुछ करना है, और कुछ बनना और करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। अब कोई सोचे घर भी ना छोड़े, काम भी करें, पैसा भी कमाए, ऐसा कहाँ होता है? कोई बाप दादा तुम्हारे इतना तो छोड़ गए नहीं तुमको, जो कि तुम वहाँ से बैठे बैठे बकचोदी चोदो और यहाँ काम हो जाए, पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, और जिसके है भी वो भी शहर गया है, शहर में 4 पैसा कमा रहा है, तभी उसके खेत पात में गल्ला पैदा हो रहा कहाँ। ये सभी लोगों से मुझे अपील है कि मेहनत करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिसे जिसको काम करना है वो संपर्क करे, हाँ कोशिश करके बेवड़े ना संपर्क करें। जो बेवड़े चरसी हैं, गंजेड़ी भंगेड़ी हैं, वो संपर्क ना करे। हाँ बेवड़ा चरसी वही संपर्क करे जो नशा तो करता है लेकिन बाजू वाले को पता नहीं चलता है, ऐसे लोग संपर्क कर सकते हैं। और आसिक मिजाज के लोग तो बिल्कुल ना करें संपर्क, क्योंकि वो कितना भी कहे उनकी आसिकी उनके दिमाग से नहीं निकल सकता। जब उनके माँ बाप नहीं निकाल सके तो हम क्या निकाल पाएंगे? क्या जो माँ बाप पैदा किया, 20 साल बना दिया पैदा करके, 24 साल का बना दिया लड़के को, वो सुधार नहीं सकते, हम क्या सुधारेंगे? तो बेहतर है कि यहाँ पे वो ना आए काम करने, मेहनती ईमानदार जिसे कुछ करना है, जिसे बनना है, वही आए। शर्ट का ही कारीगर जो रेडीमेड लाइन में काम कर चुका है वही कारीगर संपर्क करे, और जिसे काम सीखना है वो भी संपर्क करे। ना उससे पैसा कुछ लिया जाएगा और ना कुछ दिया जाएगा।